बदबू आ रही इसमें से। एक एस्प्रे वाली मशीन आ गई है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम मेरठ में हैं। यहाँ एक खेत है, ये पूरा ये यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हुए हैं। ये गाय बांध कर गया कोई यहाँ पे, ये इसका हो रखी लंपी बीमारी। इतने लंबे लंबे, इतने गहरे गहरे इसका जख्म हो रखे और स्मेल आ रही पास में खड़े होने से भी। तो ये गाय तीन दिन से देख रहे हैं हम यहाँ बंधी हुई को, और ना कोई इसको घास डाल के जाता, ना कोई इसको पानी दिखा के जाता। परसों भी मैं सनी घास लेकर आए और घास डाल गए इसे। कल मैं कन्हैया है, कन्हैया घास डाल के गए उसका मुंह पर, बिल्कुल बांध रखा था बिल्कुल, वो मुंह खोल के गए इसका। तो भाई अब तक तो इसका दूध पिया और अब इसे ऐसे बांध के, बीमारी जब बीमार होगी तब ऐसे बांध के इसको, इसकी कोई केयर नहीं कर रहे। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन किसान भाइयों से जो ऐसा करते हैं, गऊ माता है वो सेवा नहीं होती। दूध पी रहे हैं तो हम इसका, घास कर रहे हैं वो सेवा नहीं होती। सेवा अब है इसकी, अब ये बीमार है, सेवा करने का मतलब इसका अब है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी बीमारी किसी का हो जा तो उसको कहीं बगल बांध दो, लेकिन उसको टाइम पे घास पानी तो देते रहो, कम से कम दवाई तो करो कम से कम उसकी। ये धीरे धीरे लंपी बीमारी बहुत ठीक हो रही है अभी, ठीक है। बहुत सारी बीमारी देखी, वो एक गौशाला में गया था मैं, उसमें एक साइड में जिसको लंपी बीमारी हो गई एक साइड में गऊ बांध रखी और वो गऊ ठीक हो रही है। ऐसा नहीं है बीमारी ठीक नहीं होती, पर केयर तो करो कम से कम। अभी हम भाई 2 दिन से इसको घास डाल रहे हैं, आज दवाई लेकर आओगे, डॉक्टर से बात हुई होम्योपैथिक वाले से, वो दवाई देगा अभी, आज हम दवाई लेकर आओगे। तो भाई देखते हैं बेचारी को, कोशिश करेंगे ठीक करने की। अच्छा तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करो। जब आदमी या कोई जानवर बीमार होता है तब उसकी हेल्प करें, तब उसको बीमारी होता है तब उसकी सेवा करें। सेवा वो होती है, ये सेवा नहीं होती कि दूध पी रहे यार सेवा कर रहे बोला हम, ठीक है। और भाई आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, कोई परफेक्ट दवाई का आपको कोई पता हो लंपी बीमारी का तो कमेंट जरूर करियो। इसका कोई भी इलाज हो क्या हम इसमें करें हमें बताइए, थोड़ा हमें पता नहीं इसके बारे में क्या करें लंपी बीमारी में। तो आप कमेंट्स करके जरूर लिखियो कि भाई इसकी कैसा केयर करें, इतने लंबे लंबे जख्म हो रखे, कीड़े हो रखे, और इसमें क्या हम इसका लगाएं, भाई कमेंट्स में जरूर लिखियो। वैसे हम इसको अभी एक ने बताया फिटकरी का पानी और नीम का, नीम के पत्ते रजा के उसके पानी से बोला इसकी निलाई करो, और इसको दवाई के लिए एक होम्योपैथिक के डॉक्टर से बात हुई, दवाई वैसे हमने इसको दी, लेकिन अभी देखते हैं होम्योपैथिक से बता रहा है, बोला 2 दिन में ठीक कर दूंगा, 2 दिन में आराम लग जाएगा। तो उसके पास में जाकर आज हम इसको दवाई भी देंगे, ठीक है दोस्तों। घास डाल दे इसको, देखो भुक्की हो रखी है बिल्कुल, ए देखो अभी डालते ही घास खाना शुरू कर देगी भाई, थोड़ा डाल भुक्की गाय खड़ी, बिल्कुल कोई घास नहीं डाल रहा इसको, ठीक है। प्यास लग रही थी बहुत, अरे बैठा इसका उठ नहीं रहा, दूध भी नहीं उतर रहा, मैं घास भी खा उसने कल, छोटा सा बैठा है घास भी खा रहा है, जब दूध नहीं मिल रहा तो क्या करेगा बेचारा। अब इनकी वक्त नहीं रही, पहले जब हड़ चलते थे ना तब बैडू की बहुत वक्त होती, देसी गाय के बैडे सब पसंद करते थे, जिसका बैड़ा होता वो खुश हो जाता था, लेकिन अब इनकी वक्त नहीं रही, अब ट्रैक्टर हो गए, इनसे कोई काम नहीं करता, अब इन्हें कोई नहीं पूछता। इसकी तो हालत खराब हो रही है, इसकी हाँ बछड़ा दूध नहीं मिल रहा ना, और फिर इसका ही बीमार, कहाँ कहीं दूध पी रहा, डर है कहीं इसका न हो जा। असल में बीमार गाय को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना, वैसे छोड़ दे तो बहुत सारी गायें घूम रही, पर बीमार गायें ऐसा छोड़ेगी तो ये और बीमारी फैलाएगी, वही तो और बीमारी फैलाएगी। बांधना तो ठीक है, बांध के तो कोई ठीक गाय है, लेकिन इसकी केयर भी तो करनी थी ना। अब छोटा सा ताजी भी आई, दूध देरी होगी वैसे तो, पर अब बीमार क्या दूध देगी, और क्या कौन दूध इसका पीवेगा। चल तो भाई चलते हैं, फिर आएंगे देखने बाद में। चल तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करियो ताकि ऐसा कोई ना करे, और गऊ माता की सेवा करनी तो सही ऐसे टाइम पर सेवा करनी, ये होती है गऊ की सेवा करनी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करियो ताकि किसान भाई कोई ऐसा ना करे और इस टाइम पर गऊ माता की सेवा करे। दूर रहो थोड़े से, लेकिन घास पानी तो कर सकते हो आप, ठीक है, इसकी दवाई तो दे सकते हो उसको। तो भाई इतना ही कहना था, जय हिंद जय भारत।